नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम। नीरज सिंह में पहुंचे हैं, महिलाओं से लगातार आपकी बात करवा रहे हैं, सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है, जानते हैं उनसे क्यों आई है यहाँ पे, किस तरह के विचार है उनके डेरा सच्चा सौदा के बारे में। क्या नाम है आपका? सरिता अहिंसा। कितने समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? 2003 से। इतने लंबे समय से आप यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह का यहाँ का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। जैसे एक बाप के घर बेटी जाती है, सुरक्षित महसूस करती है, वही माहौल यहाँ मिलता है। मानवता भलाई के कौन कौन से कार्य डेरा सच्चा सौदा में किए जाते हैं? 135 मानवता भलाई के कार्य है, जैसे वैश्याओं की शादी करवाना, वृक्षारोपणा, आंखें दान, शरीर दान। तो आप सारे हैं, आप यहाँ पे आए, मतलब आपकी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए यहाँ से जुड़ने के बाद? हमारी तो ज़िंदगी बदल गई। अगर आज हमें नाम नहीं मिला होता तो हम आज तक इधर की पर नहीं होती। जा तो क्या होते हम, गुरु जी की वजह से हमें ज़िंदगी मिली, हमारे घर का माहौल सुधरा। इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों आते हैं, क्या मिलता है यहाँ पे आने से, क्यों इतना विश्वास है आपको? विश्वास तो क्या बताएं, एक परमपिता परमात्मा का होता है, जैसे हमारे गुरु पे हमें विश्वास है। ये दुनिया या जो संगत आ रही है, इनकी मुरादें पूरी होती है, इसलिए आते हैं। जो भी मन में इच्छा लेके आते हैं वही गुरु जी पूरी करते हैं। जो भी मन में कुछ भी सवाल है तो यहाँ पे बैठते ही उस क्वेश्चन का हल मिल जाता है। जो इल्ज़ाम गुरु जी पे लगाए जा रहे हैं, उनमें कितने झूठे लगाए गए हैं? मीडिया में जो गुरु जी के बारे में दिखाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई? मीडिया बहुत गलत कर रही है। जैसे गुरु जी बहुत भलाई के कार्य करे, तो ये जो बुराई से जुड़े लोग हैं जड़ रहे हैं गुरु जी से, ये धीरे धीरे सब लोगों को बुराई से हटा देंगे, तो उनका फिर नशा वगैरह ये चीज़ें नहीं बिकेंगी ना। कितनी ज़रूरत है समाज को? समाज को तो गुरु जी की बहुत ज़रूरत है। जैसे संसार को देखने के लिए हमें आँखों की ज़रूरत है, इसी ज़रूरत है गुरु जी की। आज समाज में नहीं है गुरु जी, तो किस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं? बहुत बुरा प्रभाव हो रहा है, शराब का सेवन ज़्यादा हो रहा है, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल है। तो हम तो यही चाहते हैं हमारे गुरु जी जल्दी से जल्दी हमारे पास आए और हमें आशीर्वाद दें। क्या अपील सरकार से, क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो यही अपील है, हमारे गुरु जी को जल्दी जल्दी बाइज्जत बरी किया जाए और हमें हमारे पिता, हमारे रहबर, हमारे मालिक, हमें दोबारा देखने का, दर्शन करने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने बताया यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनकी जो सारी मन्नतें हैं, उनकी इच्छाएं जो हैं पूरी होती हैं, बहुत सारे बदलाव जो है इनकी ज़िंदगी में आए यहाँ से जुड़ने के बाद। ये यहाँ तक बोल रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी आज नहीं होती अगर ये यहाँ से नहीं जुड़ी होती। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम्स।